और चले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में ईडी की जांच जारी है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ईडी की पड़ताल चल रही है हेराल्ड केस को लेकर। जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को अहम सबूत मिले हैं। हेराल्ड केस में ईडी को हवाला लेन देन के यहाँ पर सबूत मिले, हेराल्ड से जुड़ी संस्थाओं और तीसरे पक्ष में लेन देन के सबूत यहाँ मिले हैं ईडी को। मुंबई कोलकाता के हवाला ऑपरेटर से लेन देन, जांच के दौरान ईडी ने दस्तावेजी सबूत यहां पर बरामद कर लिए हैं। भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग यहां सील होगी, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों को बंद करेंगे, ये एमपी सरकार का कहना है। जिन अधिकारियों ने लैंड यूज बदला उन पर एफआईआर होगी। लगातार जांच आगे बढ़ रही है हेराल्ड मामले में और एक के बाद एक नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में ईडी की जांच जारी है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में मौजूदगी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ही ईडी की पड़ताल फिलहाल चल रही है हेराल्ड केस को लेकर। जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को अहम सबूत मिले हैं। हेराल्ड केस में ईडी को हवाला लेन देन के भी सबूत मिले हैं। हेराल्ड से जुड़ी संस्था और तीसरे पक्ष में लेन देन के सबूत मिले हैं। लगातार जिस तरह से जांच आगे जा रही है, ईडी शिकंजा कसती जा रही है और ऐसे में लेन देन के कई सबूत यहां ईडी के हाथ लगे हैं। मुंबई कोलकाता के हवाला ऑपरेटर से लेन देन के यहाँ पर सबूत मिले हैं। जांच के दौरान ईडी ने दस्तावेजी सबूत बरामद किए। इधर भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग सील होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाली दुकानों को भी बंद करेंगे, ये कहना है एमपी सरकार का। साथ ही कहा कि जिन अधिकारियों ने लैंड यूज बदला है उन पर भी एफआईआर होगी। देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाग लड़ाई नहीं कर रहे हैं और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है, भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। बयान देने के लिए बुलाया जाए, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आ। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर बुलाना ही था तो 11 बजे के पहले बुला लेते या 5 बजे के बाद बुला लेते। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आर चल रहा है, उसके पहले 0 आर था जिसके अंदर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना था, तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बयान देने के लिए बुलवा रहा है। भारतीय संसद के रिकॉग्नाइज नेता विरोधी दल को जब उसकी नोटिस लगी हो, ये महत्वपूर्ण है कि उनकी नोटिस लगी हुई है और उस पर चर्चा होनी हो तो उसके पहले ईडी उनको समन करके बुलाए। समय दिया गया है कि 12:30 बजे आ पाइए, 11 से लेकर 6 बजे तक सदन चलता है। अगर बुलाना आवश्यक था तो शनिवार को, इतवार को बुला लेते, परंतु नियमावली का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ और मैं कहूंगा परंपराओं जिससे कि राज्यसभा चलती है, ये सिर्फ एलओपी का अपमान नहीं है, ये
संपूर्ण राज्यसभा, लोकसभा और विधायिका का अपमान है। इन समंड बाई ईडी वाइल ही वॉज इन द हाउस, हाउस वॉज गोइंग ऑन, देर वॉज इज नोटिस विच यू आर सपोज टू स्पीक, फर्स्ट ही वॉन्टेड टू स्पीक, ही वॉज नॉट अलाउड बाई द रूलिंग बेंचेज, एंड देन वेन ही वॉज अबाउट टू स्पीक अगेन ही गॉट द नोटिस ऑफ द ईडी दैट यू आर सपोज टू अपियर। दिस इज नेवर डन, इट्स अनकॉल्ड फॉर, अनडेमोक्रेटिक, एंड इट हैज नेवर हैपेंड दैट ड्यूरिंग द हाउस यू कांट समन ए मेंबर। स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं, सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, आर यू एन रन, नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, आर यू एन रन, यह भी संभव नहीं है। बिकॉज कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहां कुछ कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी स्वतंत्र एक संगठन है, तो वो अपना काम कर रही है, इसमें प्रधानमंत्री जी की कौन सी भूमिका है? और डरने की जहां तक बात है, राहुल जी बुरी तरीके से डरे हुए हैं, जैसे आदमी जब डरता है तो जोर से हल्ला मचाता है, वही काम वो कर रहे हैं। नहीं तो ईडी का उसके साथ वो सहजता के साथ उसका मुकाबला करते, उनको जो बुलाया गया उन्होंने सड़कों के ऊपर हंगामा किया, उनकी माता जी को बुलाया गया तब उन्होंने सड़कों पर हंगामा कराया, और आज भी यदि कानून के हिसाब से काम हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये परिवार जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना इसके अंदर आवश्यक नहीं समझा, यानी एक प्रकार से उसकी स्वीकृति है कि जो ईडी कार्रवाई कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो उनको कानून का सम्मान करना चाहिए।